हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बॉटनी के पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड के चैप्टर एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी में वर्णित फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी को समझेंगे कि वो क्या है। फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी अज्ञात पादप की पहचान एवं वर्गीकरण में उसका सही स्थान ज्ञात करने के लिए अनेक क्रमबद्ध प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। इसका एकमात्र उद्देश्य पादप वर्गीकरण की आदर्श पद्धति स्थापित करना है, जिसकी संपूर्णता के लिए वर्गीकी के निम्न घटकों के अध्ययन की आवश्यकता होती है, जो कि इस प्रकार है। एक तो है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, आइडेंटिफिकेशन या पहचान, वर्णन, नामकरण, जाति वृत्तीय वर्गीकरण यानी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फेनेटिक इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन या प्रमाण। सभी घटक कोर्स के अनुसार अल्फा, बीटा तथा होलो वर्गीकी के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम अल्फा टैक्सोनॉमी को समझेंगे कि वो क्या है। अल्फा वर्गीकी प्राचीन वर्गीकी कहलाती है, जो विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा पादपों के आकारिकी गुणों को ध्यान में रखकर निर्मित की गई है। विभिन्न पादप आवासों में जाकर पादप विविधताओं को परखना, नई जातियों का अध्ययन व विभिन्न पादपों के पहचान के लिए उनके लक्षणों को ज्ञात करना, संग्रहित किए गए अज्ञात पादपों को हर्बेरियम की सहायता से ज्ञात पादपों से तुलनात्मक अध्ययन करके सही पहचान करना, पादप से संबंधित यह अनुसंधान व अध्ययन ही अल्फा वर्गीकी कहलाता है। ऐसे सभी वर्गीकी विशेषज्ञों के वर्गीकरण जो पादपों के आकारिकी के गुणों पर आधारित है, सभी इनमें सम्मिलित है। अल्फा वर्गीकी के दो चरण है। एक तो है एक्सप्लोरेशन फेज या अनुसंधान अथवा अन्वेषण प्रावस्था, दूसरी है कंसोलिडेशन फेज या एकत्रीकरण प्रावस्था। तो एक्सप्लोरेशन फेज में कौन कौन से चरण आते हैं या कौन कौन से घटक आते हैं। वर्गीकी की इस प्रावस्था के दौरान प्राथमिक स्तर पर पादपों की खोज, उनका संकलन व संग्रह सम्मिलित था। संग्रह करने के पश्चात वनस्पति संग्रहालयों यानी कि प्लांट हर्बेरिया का निर्माण प्रमुख था। संग्रहालय या हर्बेरिया स्थापित करने के साथ ही परिरक्षित पादप प्रदर्श स्पेसिमेन की पहचान की जाती थी। अनुसंधान प्रावस्था के प्रमुख घटक है, कितने? चार घटक है इसके। एक तो है पादप का वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट, पादप की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, तीसरा है नॉमनक्लेचर ऑफ प्लांट्स यानी कि पादप का नामकरण, चौथा है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। तो डिस्क्रिप्शन क्या है पादपों का? पादप के लाक्षणिक गुणों का अध्ययन करके रिकॉर्ड तैयार कर लिया जाता है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन वैज्ञानिक शब्दावली में लिखा जाता है। इस वर्णन का छोटा प्रारूप भी तैयार किया जाता है, जिसमें मात्र ऐसे वर्गीकी गुणों का समावेश होता है जो वर्गक को इससे मिलते जुलते वर्गों से अलग करते हैं। ये विशिष्ट गुण विभेदक लक्षण कहलाते हैं, जो निदान में सहायक होते हैं। इसमें प्रकृति, तना, पत्तियां, जड़, पुष्प, परिदल, दल, पुंकेसर, जायांग, बीज, फल, सभी संबंधित वर्णन सम्मिलित होते हैं। इसके वर्णन के लिए गुण व उपयुक्त गुण अवस्था उपलब्ध है, उन्हीं के अनुसार वर्णन करना होता है। जैसे पुंकेसर या स्टेमन कोहेशन या मोनो अडल्फस है या डाई अडल्फस यानी कि एक संगी या द्विसंगी या बहुसंगी पॉली अडल्फस। ऐसे ही पादप प्रकृति कैसी है, वो ट्री है, वृक्ष है, क्षुप है अथवा शाक है। अंडाशय कैसा है, ऊर्ध्ववर्ती या अधोवर्ती, अर्थात प्रत्येक गुण की दो या तीन अवस्थाएं उपलब्ध है, जिनमें से एक अवस्था किसी भी पादप में उपस्थित होती है। इन्हीं के सारे पादप की पहचान होती है। अब पादपों की पहचान कैसे की जाती है, आइडेंटिफिकेशन। पादप वर्गीकरण में अज्ञात पादप प्रदर्श यानी कि स्पेसिमन को हर्बेरियम में उपलब्ध ज्ञात स्पेसिमन द्वारा सही पहचान करके उनको सही कोटि या रैंक पर वर्गीकृत करने को ही पहचान कहते हैं। पादप प्रदर्श के आइडेंटिफिकेशन के लिए ज्ञात हर्बेरियम प्रदर्श यानी स्पेसिमन डाइकोटोमस की कुंजी की आवश्यकता होती है। अब उनका नामकरण कैसे किया जाता है, कैसा पद्धति कैसी होती है नामकरण की? तो अंतरराष्ट्रीय नियमानुसार पादप के वैज्ञानिक नाम को
निर्धारित करने की प्रक्रिया और सही नाम सुनिश्चित करने को ही नामकरण कहते हैं। पादपों के नाम वंश यानी कि जीनस, स्पीशीज, फैमिली यानी कुल आदि का नाम एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी कि ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ऐसी ही एक बॉडी है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। वह समन्वित होकर एक सार पद्धति पर काम कराती है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य संशोधित नियम जारी करते हैं जिससे सभी स्थानों पर पादपों के सर्वसम्मति से मान्य व व्यावहारिक एक समान ही नाम वैज्ञानिकों द्वारा रखे जा सकते हैं। अब इनकी वर्गीकृत कैसे किया जाए पादपों को, तो क्लासिफिकेशन क्या है? अल्फा वर्गीकरण के तहत वर्णित पादपों को मुख्यतः आकारिकी गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता रहा है। इसके अंतर्गत कृत्रिम वर्गीकरण यानी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के आधार पर पादपों को वर्गीकरण में व्यवस्थित किया जाता है। आधुनिक वर्गीकरण में प्राकृतिक तथा जाति वृत्तीय वर्गीकरण सम्मिलित है। दूसरी फेज है कंसोलिडेशन फेज या एकत्रीकरण प्रावस्था। पादप वर्गीकी के प्रथम प्रावस्था में उनकी खोज व पहचान प्रमुख थी। अब उसके बाद क्या संग्रहालय स्थापित किए गए। वहीं द्वितीय प्रावस्था में पादपों की आकारिकी मॉर्फोलॉजिकल लक्षण पर पादप ग्रंथ या औषध ग्रंथों को पुस्तक के रूप में लिखा जाने लगा। पादपों पर बृहद लेख या मोनोग्राफ लिखे जाने लगे। इन पुस्तकों में पहचान की जा चुकी वनस्पतियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सम्मिलित थी। वैज्ञानिक द्वारा गहन शोध के पश्चात ये प्रस्तुत की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य संसार के विभिन्न स्थानों पर प्रचलित पादपों के देशी तथा वानस्पतिक एवं पर्यायवाची नामों पर उपलब्ध विभिन्न मत एवं विवाद इन पुस्तकों में उपलब्ध है। इसमें जो घटक है वो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन या प्रमाण लेख। पादप पहचान हो जाने के पश्चात इनके प्रदर्शनों को हर्बेरियम में उचित स्थान पर व्यवस्थित कर देते हैं। पादप को एक विशेष विधि द्वारा सुखाकर इनके पादप प्रदर्श एक शीट के रूप में तैयार कर लिए जाते हैं। इन शीटों को एक संग्रहालय में क्रमानुसार परिरक्षित कर लिया जाता है। ऐसे स्थान जहाँ पादप प्रदर्श परिरक्षित रहते हैं हर्बेरियम कहलाता है। प्रत्येक पादप प्रदर्श पर पादप की जाति, उपजाति, किस्म, कहाँ से प्राप्त हुआ है, उस जगह का नाम एवं तारीख इत्यादि अंकित रहता है। इन प्रदर्शों को टाइप स्पेसिमेन या प्रारूपिक प्रदर्श कहता जाता है। ये प्रदर्श हर्बेरियम पादप वर्गीकी के अध्ययन व शोध में उपलब्ध जानकारी प्राप्त करने के काम आते हैं। हर्बेरियम के पुराने रिकॉर्ड विभिन्न जातियों में प्राप्त विभिन्नताएं दर्शाते हैं। इन रिकॉर्ड से एक ही जाति के विभिन्न प्रदर्शों में भिन्नता भी देखी जाती है। ये प्राचीन रिकॉर्ड पुराने पादपों के खोजे गए महत्वपूर्ण प्राचीन प्रदर्शों के रूप में प्रमाण उपलब्ध करवाते रहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बीटा टैक्सोनॉमी कि वो क्या है। प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार पादप को व्यवस्थित करना ही बीटा वर्गीकी कहलाता है। अब इनके कौन कौन से घटक है, इसमें क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है बीटा वर्गीकी में। पादपों को उनमें उपस्थित आकार की प्रकृति, आवास, जनन इत्यादि विभिन्न लक्षणों एवं गुणों में समानता के आधार पर विभिन्न समूह में व्यवस्थित करना ही पादप वर्गीकरण कहलाता है। इस वर्गीकरण में जाति इकाई मानी जाती है। जाति वंश, कुल, गण, वर्ग यानी कि जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास तथा विभाग इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि ये एक ऐसा वृक्ष चित्र बनाते हैं जिसमें विभाग सबसे ऊपर रहता है यानी कि डिवीजन। इसकी शाखाओं व उपशाखाओं में क्रमशः क्या आते हैं, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस व जातियां यानी स्पीशीज व्यवस्थित रहकर वर्गीकरण पद्धति बनाती है। किसी भी पादप की गुणों के आधार पर पहचान करके उसे वर्गीकरण में उचित स्थान व कोटि में रखा जाता है। इस तरह संसार के समस्त पादप इस वर्गीकरण द्वारा निश्चित स्थान पर व्यवस्थित हो जाते हैं। नई खोजी जाने वाली जातियों के लिए भी इसमें स्थान निश्चित होते हैं। इस प्रकार पादप वर्गीकरण अनेक पादपों से संबंधित जानकारी के संचयन के लिए एक प्रमुख सुविधाजनक विधि है जिसे समय समय पर जानकारी प्राप्त करके उपयोग किया जा सकता है। इसके जो चरण है उसमें नेचुरल क्लासिफिकेशन सम्मिलित है। नेचुरल क्लासिफिकेशन यानी प्राकृतिक वर्गीकरण की अवधारणा एम एडमसन ने दी थी।
बैंथम और हुकर का जो वर्गीकरण है वो भी नेचुरल क्लासिफिकेशन ही है। इस प्रणाली में सभी अवस्थाओं व सूचनाओं का समावेश किया जाता है जो प्रकृति में मिलती है। इसमें पादपों के विभिन्न समूहों में आपसी समानताएं देखी जाती थी। प्राकृतिक वर्गीकरण मुख्यतः पादपों की आकार की समानताओं अथवा विभिन्नताओं पर आधारित थी, जबकि आज ये समानताएं संपूर्ण क्षेत्रों से प्राप्त विभिन्न लक्षणों द्वारा देखी जाती है, जैसे कि आकार की यानी मॉर्फोलॉजी, अनाटमी, अल्ट्रास्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, फॉसिल विज्ञान, जनन विज्ञान, कोशिका विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स आदि विभिन्न क्षेत्रों के गहन अध्ययन के पश्चात संपूर्ण लक्षणों के आधार पर फेनेटिक संबंधों पर जातियों की समानता देखी है परखी जाती है। तब उसका विश्लेषण करके पादप जाति को उचित स्थान पर जाति वृत्तीय वर्गीकरण में व्यवस्थित किया जाता है। अब आती है होलो टैक्सोनॉमी, जिसको ओमेगा टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। होलो का अर्थ है पूर्ण, अर्थात पूर्ण वर्गीकी को प्राप्त करना। संपूर्ण स्रोतों से प्राप्त लक्षणों को लेकर जब पादप को वर्गीकृत करते हैं तब उसे होलो वर्गीकी कहते हैं। यह ओमेगा वर्गीकी भी कहलाती है। इसमें सभी स्रोतों से प्राप्त लक्षणों का विश्लेषण करके सारी जानकारी तथा सभी तरह के डेटा को जोड़कर सिंथेसिस करके एक ऐसी वर्गीकरण पद्धति तैयार की जाती है जो पादपों के फेनेटिक संबंधों पर प्रकाश डालती है। इस पूर्ण वर्गीकी को प्राप्त करने के लिए अब तक की वर्गीकी के सभी घटकों का वो उनसे प्राप्त सभी आंकड़ों को समाकलित करके अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाला जाता है, जिससे पादपों के जाति वृत्ति इतिहास को समझा जा सके। इस पूर्ण वर्गीकी के प्राप्त करने में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यानी कि सांख्यिकी वर्गीकी या टैक्सीमेट्रिक्स, कीमोटैक्सोनॉमी, आणविक जीव विज्ञान, जेनेटिक्स इत्यादि की प्रमुख भूमिका होती है। इनके कौन कौन से घटक इसमें शामिल है, जो कि है फाइलोजेनी यानी जाति वृत्ति है। पादप जगत में पादपों को उनके उद्भव यानी ओरिजन, अन्य पादपों से उनकी समन्वय समानता बंधुता के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं तो उनमें व्याप्त विकासीय प्रवृत्तियों को ज्ञात किया जा सकता है। पादप की प्रजातियों की उत्पत्ति के पश्चात उनमें हुए विकासीय प्रवृत्तियों के अध्ययन को जातिवृत्तीय कहते हैं। पादपों की उत्पत्ति व उनके विकास के इतिहास को जातिवृत्तीय इतिहास कहा जाता है। जब हम आज किसी पादप को वर्गीकरण में उसकी उत्पत्ति से लेकर आज तक के विकासीय परिवर्तनों को ध्यान में रखकर वर्गीकृत करते हैं तो उसे पादप की विकासीय प्रवृत्ति कहते हैं। विकासीय प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर किए गए पादप वर्गीकरण फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहलाता है। दूसरा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। इस वर्गीकरण में पादपों की संपूर्ण सोर्स से ज्ञात आपसी समानताओं, उनके पूर्वजों से संबंध व उनकी उत्पत्ति पर प्रकाश डाला जाता है। साथ ही जीवों के समूह द्वारा उनके पूर्वजों से विकसित अवरोहणों पर भी प्रकाश आधारित होता है। अब विभिन्न वैज्ञानिकों ने प्राप्त जो लक्षण थे पादपों के उनके क्लैडिस्टिक विश्लेषण तथा फेनेटिक विश्लेषण किया। इस तरह विभिन्न पादपों के फेनेटिक रिलेशनशिप ज्ञात किए जाते हैं। संबंध को ज्ञात करने के लिए फाइलोजेनेटिक ट्री, जातिवृत्तीय ट्री अथवा डेंड्रोग्राम तैयार किए जाते हैं। ये सभी शाखित वृक्ष चित्र कहलाते हैं, जिनसे पादपों के निकट के आपसी संबंध मालूम किए जा सकते हैं। इन्हें चित्रांकित करने के लिए क्लैडिस्टिक विश्लेषण तथा क्लस्टर एनालिसिस इत्यादि काम में लेते हैं। जातियों व समूह के मध्य जातिवृत्ति संबंध दर्शाने हेतु विभिन्न चित्रों का वर्णन किया जाता है, जो कि सबसे पहले है फाइलोजेनेटिक ट्री। ये वृक्ष जैसा चित्र है जिसमें संबंधों की समानता देखी जाती है। दूसरा है डेंड्रोग्राम, समूह में समानता दर्शाते हुए ऊपर से नीचे की ओर शाखित चित्रों को डेंड्रोग्राम कहते हैं। इसी का आज प्रचलित नाम फाइलोग्राम है। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि फिनोग्राम ये एवं फिनेटिक विश्लेषण। फिनोग्राम वह कहलाते हैं जो फेनेटिक विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस फेनेटिक विधि में क्लस्टर विश्लेषण किया जाता है, जिससे फेनोग्राम बनते हैं। क्लैडोग्राम या क्लैडिस्टिक विश्लेषण वह कहलाते हैं जो फाइलोजेनेटिक विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। इस फाइलोजेनेटिक विधि में क्लैडिस्टिक विश्लेषण किया जाता है, जिनसे क्लैडोग्राम बनते हैं। थैंक यू।